तो मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति हैं उन दो व्यक्तियों को आपस में बातचीत करनी हो तो क्या चाहिए एक भाषा चाहिए जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने आसपास अपने भाई बहन दोस्तों से बात करनी हो तो आपको क्या चाहिए एक भाषा चाहिए जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एक भाषा के इस्तेमाल से ही जो कि आप लोग भी समझते हैं तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे भाषाएँ होती हैं जैसे कि मान आप आपके आपका हिंदी हो गया नेपाली हो गया उर्दू फारसी हो गया इन सभी भाषाएँ से आप भाषाओं से आप क्या कर सकते हैं कि अपने भाई बहनों से बात कर सकते हैं लेकिन एक एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको हिंदी आती हो और आपको आपकी मम्मी को नेपाली आती हो चाहे फिर फ्रेंच आती हो मान लीजिए तो क्या आप दोनों बात कर पाएंगे बिल्कुल नहीं आप दोनों कभी नहीं बात कर पाएंगे तो इसी तरह हमारा पी भी होता है हमें अपने पी से अगर कोई भी काम करवाना है जैसे कि मान लीजिए दो नंबरों को जोड़ना है या फिर घटाना है तो हमें अपने पीसी से कहना पड़ता है कि तुम ये चीज करो ये बोल के तो नहीं होता हम लिख के करते हैं आ, तब भी हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है तो जैसे कि हम इसे आप नॉर्मल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं जैसे कि आप अपने भाई बहन से बात करते ही रहते हैं आप अपने भाई से कहते हैं कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ उसी तरह आप अपने पीसी से भी कहते हैं कि दो नंबरों को जोड़ो दोनों नंबरों को घटाओ तो जैसे नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी भाषाएं होती है जैसे कि हिंदी नेपाली उर्दू फारसी उसी तरह हमें अपने पीसी से भी बात करने के लिए बहुत सारी भाषाएं होती है जैसे कि मान लीजिए जावा C++ प्लस प्लस पाइथन जावा स्क्रिप्ट बहुत सारे लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज उठा के बात कर सकते हो अपने पीसी से लेकिन अभी मैं उतना नीचे नहीं जाना चाहता लेकिन समझने के लिए काफ़ी है कि अगर आपको अपने पीसी से बात करनी है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्थात की एक भाषा की ज़रूरत पड़ेगी जो हम नॉर्मल लाइफ में जिसे भाषा कहते हैं उसी कोई प्रोग्रामिंग का टर्म मतलब पी के टर्म में जब हम आई टी के वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इतना तो हमें समझ के आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नॉर्मल अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो एक भाषा की तरह ही होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने पीसी से बात करने के लिए अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है तो अगले स्लाइड पे चलते हैं मान लीजिए अगर आप कोई हैं आप एक लड़के हैं और उधर एक लड़की खड़ी है आप कहते हैं कि सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम तो वो कहती है ओके चलो मैं सॉल्व करती हूँ तो इसमें क्या हुआ कि आपने उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ये काम करो तो वो उसने कहा कि चलिए ठीक है मैं करती हूँ उसी तरह अगर आपको अपने पीसी से बात करना है तो आप क्या करते हैं एक सेट ऑफ तो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको आपका भाई है घर पे नहीं है और आपको अपने भाई से काम करवाना है लेकिन आपके भाई के आने के पहले ही आप घर से चले जाएंगे तो आप क्या करते हैं कि कागज लेते हैं कागज पे सारे कामों को लिख देते हैं जो कि आपके भाई को करना है उसी तरह क्या होता है कि हम अपने पीसी में से बोलकर बात नहीं करते हम अपने पीसी से क्या करते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन वी कोड में चाहे कहीं भी लिख देते हैं और हम क्या करते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं मतलब कि हम उसे कंप्यूटर के अंदर पीसी के अंदर डालते हैं और पीसी क्या करता है उन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है जैसे कि आप अपने भाई को लिख के देते हैं और वो आता है फिर वो सारे कामों को देखता है फिर करके चला जाता है चाहे घर पर ही रहता है तो आप आते हैं तो उसका आउटपुट देखने को मिलता है कि हाँ उसने ये काम किया उसने फल में फल काट के रखा है उसने खेतों में पानी चलाया या फिर सब्जी काट के रखा उसी तरह आप पीसी में भी इंस्ट्रक्शन फेड करते हैं मतलब कि आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे पीसी के अंदर डालते हैं और कंप्यूटर आपको पीसी क्या करता है आपको आउटपुट देता है तो इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे और उसे पीसी के अंदर फेड किए इसी को क्या कहते हैं इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग है, तो यही था बस इस वीडियो में जो कि हमें सीखना था तो पहला तो हमने जान ही लिया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और दूसरा हमने ये भी सीख लिया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं तो देखिए हम जो लोग हम जो ह्यूमंस होते हैं हम क्या करते हैं इनपुट डालते हैं हम क्या करते हैं इनपुट डालते हैं जो कि होते हैं प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए दो नंबरों को जोड़ना ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है जो हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं अगर मान लीजिए नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं पीसी के अंदर डालते हैं पीसी क्या करता है उसे जीरो वन के फॉर्म में जीरो वन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है मतलब जो भी प्रॉब्लम हम प्रोग्राम करके पीसी के अंदर डालते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है वो जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जो आउटपुट आता है वो भी जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है लेकिन उसे एक कंपाइलर होता है मतलब एक बीच का ट्रांसलेटर होता है जो कि ह्यूमन रेडबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो बस यही था इस वीडियो में और अगले वीडियो के लिए अपडेटेड रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू